हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 2 यानी कि बहुपद पॉलिनोमियल को आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर पे इसका जो सिलेबस है इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। इसका जो सिलेबस है इस चैप्टर का, बहुपद के शून्यंक, द्विघात, बहुपदों के गुणांक और शून्यंकों के मध्य संबंध, तो ये इसका सिलेबस है। मैं जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, जो आपका 2023-24 का सिलेबस है उसके बेस्ड यानी इस पे बेस्ड मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो इसके अलावा मैं कुछ और नहीं पढ़ाने वाला हूँ, जो सिलेबस में दिया गया है उसी को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो आपके टॉपिक हैं इस चैप्टर में, दो ही टॉपिक है। पहला क्या है, बहुपद के शून्यंक, दूसरा है द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यंकों के मध्य संबंध, ठीक है। तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम कुछ बहुपद के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि बहुपद क्या होता है, जब एक से ज्यादा पद हो तो उसे बहुपद बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि आपने 9th में पढ़ा होगा 2x, तो ये एक पद ही हो गया, 2x+5, ये द्विपद ही हो गया यानी कि द्विपद, ठीक है। तो यानी कि जब एक से ज्यादा पद हो जाएंगे तो हो जाएगा बहुपद, ठीक है। जैसे कि 4x+6 x+5 या फिर y यहाँ पर हो जाए, ठीक है, तो ये बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो बहुपद में क्या होता है, जब एक से ज्यादा पद होते हैं तो वो बहुपद हो जाता है। जैसे कि बहुपद के प्रकार हम पढ़ते हैं यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर घात एक है बहुपद में तो उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। यानी कि जैसे कि 4x+4, इसमें देखिए घात क्या है, इसमें घात एक ही है, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर बहुपद की घात 2 है, जैसे कि ये देखिए 4x2+4, तो यहाँ पर घात 2 हो गई, तो ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 घात है, जैसे कि 5x³+4x²+2, आगे यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी घात क्या, 3, तो यहाँ पर ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। तो ये है बहुपद के प्रकार, यानी कि अगर एक घात है तो हमारा रैखिक होगा, 2 घात है द्विघाती बहुपद होगा, और 3 घात है तो त्रिघाती बहुपद वो हो जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं, तब समझ में आएगा, क्योंकि अभी जो एक्सरसाइज आने वाली है उस पे बेस्ड हमें कुछ करना पड़ेगा, चतुर्थांश को हम समझ लेते हैं, ठीक है। आपने क्लास 9th में इस तरीके का पढ़ा होगा, ठीक है, चतुर्थांश, इसे क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। ये वाला जो होता है ये हमारा होता है x, ये होता है x डैश, ठीक है, ये होता है y, ये होता है y डैश, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो x इधर है तो इधर जो होगा ये हमारा 0 होगा, यहाँ पर इधर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके, प्लस में इधर रहेगा माइनस में, -1, -2, -3, -4 इस तरह, ठीक है। इधर रहेगा प्लस में +1 वाई की वैल्यू, ठीक है, वाई की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, इधर रहेगा -1, -2, -3, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर बात करें बहुपद के शून्यंक की, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि px y = px पॉलिनोमियल ऑफ x, तो इसमें शून्यक निकालना है। तो अगर आपको यहाँ पर एक परवलय टाइप का दिया होगा, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा बना हुआ है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये जो नंबर है इनका कोई अभी यूज नहीं है तो इनको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर बोले मान लेते हैं कोई आपका परवलय ऐसे दिया है, ठीक है, तो कहेगा इसमें शून्यक कितने हैं। शून्यक निकालने का मतलब है एक्स के लिए निकालना है, तो ये जो एक्स वाली ये रेखा है, ये एक्स वाली रेखा जब तक इस पर टच नहीं करेगा तब तक शून्य निकलेगा नहीं, निकलेगा वाई का निकल रहा है, लेकिन हमको एक्स का चाहिए, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स का चाहिए, तो जब तक इसमें टच नहीं करेगा तब तक शून्य नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि अभी देखता हूं, अगर ये परवलय ऐसे बन जाए, ऐसे करके, ठीक, तो कितनी बार टच किया है, एक बार इस x को टच किया है, फिर ऊपर गया है, फिर दो बार टच किया है, तो शून्य कितने होंगे, यहां पर शून्य की संख्या, शून्य कितने होंगे, दो, दो बार टच किया है। अगर ये दोबारा फिर से टच कर जाए ऐसे करके, तो 1, 2, 3, तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी।
तो अगर अभी ये वाला आपको आएगा बहुपद का शून्यांक निकालिए, ठीक है, तो इस तरीके से निकालेंगे। तो चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्या है, इसका जो पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या बताइए। यानी कि आकृति को देखकर शून्यकों की संख्या बताना। तो इसमें 6 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ 3 क्वेश्चन लिए हैं और 3 क्वेश्चन अभी इसको मिटा के हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या बताना ग्राफ को देखकर, ठीक है। मैंने क्या बताया था, यहाँ पर मैंने बताया था जब ये वाला परवलय टाइप या फिर रेखा इस तरह की जब टच करे एक्स को तभी शून्यक होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं, तब समझ में आएगा। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, वाई डैश। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या परवलय टाइप को जो दिखा रेखा दिख रही है, क्या ये इस वाले एक्स को टच किया है? नहीं किया ना, तो शून्य की संख्या कितनी होगी? जीरो। शून्य कितने होंगे? जीरो होंगे, इनकी संख्या जीरो होगी। ये क्वेश्चन टू देखिए, ये एक्स डैश एक्स है, ये वाई वाई डैश है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परवलय इस टाइप पे गया है ऊपर साइड ना, तो यहाँ पर इस रेखा को तुमको ये ध्यान देना है आपको, यहाँ पर ये जो रेखा दी गई है इसको, ये परवलय टाइप की जो रेखा है ये कितनी बार काट रही है, इसमें देखो काट ही नहीं रही थी, ये वहां है, ये चीज यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाली एक बार काटी है ये ऊपर का, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक, ठीक है। अब ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ पर देखिए ये रेखा गई, यहाँ पर एक बार काटा, इस पर रेखा को काटना है, तो एक बार काटा तो एक शून्य ऊपर गया, दोबारा काटा, तिवारा काटा, यानी कि तीन बार, देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, एक्स को तीन बार ये रेखा काट गई परवलय टाइप की जो रेखा है, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? तीन। कहने का मतलब ये है कि इस रेखा को कितनी बार ये परवलय टाइप की जो रेखा है काट रही है, ठीक है, तो उतने शून्यक इसमें निकलेंगे। जैसे कि इसमें एक बार ऊपर काटा, दूसरा बार नीचे, फिर से ऊपर, तो तीन बार, यहाँ पर देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तीन हो जाएगी। तो चलिए आप कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हमने ले लिया है, यही इसके लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। तो यहाँ पर देखिए कितने शून्यक हैं, तो इस रेखा को कितनी बार काटा या टच किया है, चाहे टच करे या काटे तो शून्यक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये परवलय ऐसे आया है, तो यहाँ पर एक बार टच किया, उसके बाद दोबारा यहाँ पर टच किया, तो दो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? दो हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो ये देखिए परवलय कैसे काट रहा है इस वाली रेखा को, एक्स वाली को, एक बार यहाँ पर काटा, देखिए दोबारा यहाँ पर काटा, तिवारा यहाँ पे काटा, चौथी बार यहाँ पे काटा, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? चार। काटे या फिर टच करे, अब देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर काटा, दोबारा आके यहाँ पर टच किया, ओके, फिर ऊपर गया, फिर तिवारा आके यहाँ पर टच किया, तो तीन शून्य होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें हम शून्य निकालते हैं, ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में बस इतना ही है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक फॉर वॉचिंग।